हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विद सिंपल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और मैं तो अभी अच्छे से नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। जैसे कि मैंने पोस्ट डाला था एक, तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए और मुझे बताया कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। थैंक यू आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ये तबीयत ख़राब होने से पहले का व्लॉग है। मतलब जिस दिन मैं यहाँ पे सर पर ना ऑयलिंग करवा रही थी बालों में, उसके ही पहले मतलब बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई है। क्योंकि इस दिन ही मेरे सर पर बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा पेन था। तो मुझे लगा कि शायद मैं अगर हेयर ऑयलिंग कराऊंगी तो ठीक हो जाएगा। काफ़ी इफ़ेक्ट भी पड़ा था हेयर ऑयलिंग कराने से। मेरा जो सर का दर्द था वो कम हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ना थोड़ा सा जुकाम हो रखा था। सो इसकी वजह से मेरे गले में बहुत दर्द हुआ। मुझे साथ ही साथ मतलब कफिंग भी हो गई और साथ ही साथ मुझे फीवर आ गया। तो बहुत ज़्यादा मैंने मतलब अभी इस टाइम पे तबीयत अपनी बहुत ज़्यादा मतलब अपने को मैं अच्छा महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं है अभी मेरे को। अभी जिस टाइम मैं ये बोल रही हूँ ना, उस टाइम भी मुझे अपनी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, वीकनेस लग रही है। उठ के बैठ नहीं पा रही हूँ, सर इतना घूम रहा है। हालांकि मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, फिर भी सर में बहुत दर्द है। तो यहाँ पर वही है कि जिस दिन हाँ मुझे क्या बोलना है मुझे याद भी नहीं आ रहा है। मैंने सोचा था कि इस व्लॉग में बताऊँगी आप लोग को अपनी तबीयत के बारे में। और मतलब गले से आवाज़ ही बहुत मुश्किल से निकल रही है। तो ये है ना कि आप अगर कहीं जॉब करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या लीव ले सकते हो, अपने घर पे रेस्ट कर सकते हो, है ना। और एक तरफ से यूट्यूब पे हमारी भी ये जॉब है। मैं तो ऑलरेडी अपने घर पर ही हूँ, है ना। और एक दिन व्लॉग मैंने नहीं पोस्ट किया, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, दवाइयाँ वगैरह ली। तो आज मैं मतलब यह है कि बोल सकती हूँ सर, मतलब गले में दर्द तो अभी भी है, लेकिन यह है कि बोल सकती हूँ मैं अभी। इससे पहले बहुत मतलब पूरा गला एकदम से जाम हो गया था, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। खैर अभी तो ठीक हूँ। और अभी मुझे ब्रेकफास्ट करके अपनी मेडिसिन भी लेनी है। तो देखती हूँ नेक्स्ट व्लॉग मैं कब पोस्ट करती हूँ, और जल्दी कोशिश करूँगी। क्योंकि आज भी मैं व्लॉग ना पोस्ट करती, लेकिन क्या होता है ना, आप लोगों को अपनी अपडेट देनी थी, मुझे बताना था आप लोगों को अपने बारे में। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और अभी भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं व्लॉग पोस्ट ना करती तो आपको कैसे पता चलता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ और किसी तरह से भी छोटे मोटे जो भी है व्लॉग पोस्ट करती रहूँगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर मेरे जो पति देव है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब समझते हैं, बहुत ज़्यादा। टच वुड कभी कभी खुद की नज़र लग जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा समझते हैं मुझे। मुझे क्या लगता है, हस्बैंड वाइफ में ना 4-5 चीज़ें मतलब होती हैं बातें जिनको हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो देखो ये है कि रिस्पेक्ट, है ना। हस्बैंड को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और वाइफ को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, है ना। और हस्बैंड के परिवार को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वाइफ के भी परिवार को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, दोनों तरफ से, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने हस्बैंड से मतलब आपके हस्बैंड ही आपके लिए सब कुछ है और उसका परिवार आपके लिए कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। अगर आपको अपने हस्बैंड से प्यार है तो उसकी फैमिली से भी आपको प्यार करना पड़ेगा, है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो ये चीज़ें हैं। और सबसे पहली बात, दूसरा चीज़ है विश्वास। विश्वास एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अंधविश्वास तो देखो, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर चीज़ें तो हर कहीं भी मतलब जायज़ नहीं है, लेकिन क्या है ना कि विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है,
शादीशुदा जोड़ों के बीच में शक आ जाता है। जो शक होता है ना, वो आप लोग को पता ही, सभी समझदार हो, वो सारी चीज़ों को मतलब क्या करता है, तबाह कर देता है, हर रिश्ते तबाह कर देता है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि प्यार तो ऑब्वियसली ज़रूरी है ही, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार भी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही है, प्यार है तो सब कुछ है। दूसरी चीज़ है केयर, दूसरी नहीं चौथी चीज़ है केयर। आपको एक दूसरे की केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हस्बैंड आपकी केयर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने हस्बैंड की केयर करते हो तो ये आपका रिश्ता बहुत अच्छा है ना। और पांचवी चीज़ है जो मुझे क्या है ना, मेरे अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, तो जल्दी से कुछ यादें नहीं आ रही हैं। पांचवी चीज़ ये है कि आपको बातें शेयर करनी चाहिए, है ना। आपके चाहे कैसी भी बात हो, आपको अपने हस्बैंड से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। हर एक चीज़ का हल होता है, हर एक चीज़ का, है ना। तो इसी तरह आपके दिल में, दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, अपने हस्बैंड को ज़रूर बताओ। और सेम इसी तरह से हस्बैंड भी अपनी वाइफ को हर एक बात शेयर करे, तो इस तरह से मतलब जो शादीशुदा जोड़ों की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत अच्छे से मैनेज होती है, बहुत अच्छे से चलती है। ये चार पांच बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखो, मुझे जिस चीज़ का नॉलेज था वो मैंने बताया, बाकी सब तो अपनी जो उनको करना है वही करेंगे, है ना। तो बस यही है। सो यहाँ पे अभी क्या है ना, मुझे आप लोग से कुछ और बात भी करनी थी, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें मैं भूल गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है शायद इस वजह से। तो हमारे जो हम दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत समझते हैं, मैं इन्हें भी समझती हूँ। और शक तो हमारे बीच में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और बातें भी शेयर करते हैं, वो भी शेयर करते हैं, मैं भी शेयर करती हूँ। और रिस्पेक्ट भी हम एक दूसरे को करते हैं और एक दूसरे की फैमिली को भी करते हैं, है ना। बस यही सब चीज़ें हैं। तो मेरे अभी गले में दर्द हो रहा है, मैं अगर कंटिन्यू बोल रही हूँ तो मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसके बाद ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस दिन तो मैं ठीक ठाक थी, मतलब हंस रही थी, बोल रही थी, क्योंकि ये स्टार्टिंग थी मेरी तबीयत ख़राब होने की। फिर इसके बाद से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ही वो लगने लगा, वीकनेस लगने लगा, और हेडेक बहुत ज़्यादा हो गई, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई। तो मैं तो बिस्तर पर ही पड़ गई, बिल्कुल बिस्तर पे लेट गई, उठा नहीं जा रहा था, इतनी हालत ख़राब हो गई थी, है ना। तो फिर अभी तक तो फिर भी ठीक हूँ, जब मैं यहाँ पे हेयर ऑयलिंग करा रही हूँ, और काफ़ी रिलीफ मिला था मुझे हेयर ऑयलिंग के बाद। लेकिन उसके बाद ही धीरे धीरे मैंने फिर क्या किया, शाम के टाइम पे मैंने ये हेयर ऑयलिंग कराई ना, फिर उसके बाद हमने चाय बनाई, चाय पिया, और हस्बैंड ने ही बनाई थी चाय, इन्होंने चाय बनाई, चाय पिया। उसके बाद मैंने बोला कि डिनर बनाना है, तो 10-15 मिनट के लिए मैं सो गई थी, ठीक है। सो जाने के बाद जब मैं उठी, फिर मुझे तब बहुत ज़्यादा वीकनेस लगी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखो, मैंने बात ही बात में अभी तक आप लोग से कहा ही नहीं कि आप लोगों को अगर आज का व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक छापना बिल्कुल मत भूलना। मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, उस पर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, है ना। तो लाइक तो छापना बनता है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर देना, जिससे कि हर लेटेस्ट व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप सबसे पहले मेरे व्लॉग इन्जॉय कर सकें, है ना। तो अभी यहाँ पर मैं कितने अच्छे से हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए। लेकिन इसके बाद ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, है ना। आने पल भर की इंसान को खबर नहीं है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर लेते हैं हम लोग, है ना। सो यहाँ पे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से मालिश कर दी है मेरे सर पर, ऑयलिंग करी, चंपी करी, जो भी आप बोल सकते हो। और मुझे क्या लगता है कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और मजबूत होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं, बहुत से, सबको अपनी अपनी जगह रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और आजकल क्या है, लोगों के पास
समय तो है लेकिन फुर्सत नहीं है, इस टाइप से हो गए लोग, है ना। समय हर एक किसी के पास है लेकिन फुर्सत भी किसी के पास नहीं है, सो इस टाइप से हो गई है हालत। मैं यहाँ पे दिखा रही थी बहुत ज़्यादा हेयर ऑयलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं। सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा था तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता ही है ना, अगर आप ऑयलिंग करवा लो बहुत रिलीफ मिलता है। वैसे मुझे आदत नहीं है सर पे मतलब ज़्यादा ऑयल वगैरह लगाने की, मुझे ना थोड़ी सी मतलब इरिटेटिंग मतलब इरिटेट हो जाती हूँ मैं, अगर मेरे सर पे तेल वगैरह लगता है तो मैं बहुत ही मुश्किल से तेल मतलब लगाती हूँ सर पर। यूँ मान लो कि मैं 2-3 महीने में एक बार, 3-4 महीने, 5 महीने में ऐसे एक बार लगाती हूँ। वैसे तो क्या है कि देखो वीकली में मतलब 2 बार तो ऑयलिंग कर ही लेना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं होता है। अब क्या करूँ, मेरी आदत है ना, मुझे नहीं पसंद है सर पे ऑयल करना। मुझे मुझे सूखे सूखे बाल हो मतलब मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं वैसे ही रखती हूँ। तो बस यही है। सो गाइज अभी बस और क्या मैं आप लोग से बोलूँ, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बार बोल दिया है, अगर बहुत बार मैंने बोल दिया तो माफ़ करना, क्योंकि जब बंदा अपने आप को ठीक ही महसूस नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, बार बार उसके मुंह से यही बातें निकलेगी ना, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, है ना। और सच में बिलीव मी गाइज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं किसी तरह से ये व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, वो मैं जानती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। कहते हैं ना अगर हम हिम्मत बांध लेते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ खड़ा हो जाता है ना, कि हाँ बंदे ने हिम्मत करी है तो उनको भी साथ देना मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो बस यही है, और आज के व्लॉग में और तो कुछ मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। हस्बैंड ने हेयर ऑयलिंग करी है और तो कुछ नहीं, और क्या शेयर करती मैं, क्योंकि इसके बाद तो मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई, और जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, इसके बाद तो फिर सब कहानी ख़त्म, तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। और अभी तो हाल फिलहाल में जो भी काम है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि क्या करूँ तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे काम करूँ, है ना। जो भी काम है मिलजुल के सब कर ले रहे हैं लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो दवाइयाँ वगैरह बराबर खा रही हूँ, जल्दी ठीक हो जाऊँगी तो फिर से एक अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। और हाँ, मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर पर अच्छे से रहिएगा, और थोड़ा सा संभल के चलिएगा, मतलब ठंडी गर्म मतलब ठंडी और गर्म चीज़ें एक साथ मत खाइएगा, हो सकता हो इससे भी मेरी तबीयत ख़राब हुई है। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।